चिखलदरा एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ तक का सफर तय करते हैं। यह पहाड़ी इलाका अपनी नैसर्गिक सौंदर्यता के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा यह स्थान पौराणिक मान्यता भी रखता है। इतिहासकारों की माने तो यह स्थान कभी राजा विराट की नगरी हुआ करता था, जो विराट नगर के नाम से जाना जाता था। चिखलदरा सतपुड़ा की पहाड़ी का एक खूबसूरत भाग है, जो चारों तरफ से प्राकृतिक खूबसूरती से भरा हुआ है, जहां झीलों, पहाड़ी, हरियाली व प्राचीन दुर्गों की खूबसूरती का आनंद लिया जाता है। यह पौराणिक स्थान एक अंग्रेज अफसर द्वारा 1823 में खोजा गया था। इस स्थान का इस्तेमाल अंग्रेजों द्वारा कॉफी गार्डन और स्वास्थ्य संबंधी चीजों को विकसित करने के लिए किया जाता था। यहाँ आसपास कई खूबसूरत स्थल मौजूद हैं, जहाँ जाकर एक अलग ही अनुभव हासिल किया जा सकता है। पहाड़ियों और भीम कुंड के अलावा यहाँ स्थित पंचबोल और देवी पॉइंट भी मशहूर है। पंचबोल पॉइंट अपने पहाड़ी दृश्यों के लिए जाना जाता है, जहाँ खूबसूरत कॉफी के बागान देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ की पांच पहाड़ियों को और गिरते जल प्रताप को भी देखना अद्भुत है। पास ही में स्थित देवी कुंड अपनी सुंदर जलधाराओं के लिए जाना जाता है, जहां स्थानीय लोगों की देवी का एक मंदिर भी स्थित है। बारिश के मौसम में यहां की खूबसूरती देखने लायक होती है। चिखलदरा तीनों मार्गों से पहुंच सकते हैं। यहां का नजदीकी रेलवे स्टेशन अमरावती है। हवाई मार्ग के लिए आप नागपुर एयरपोर्ट का सहारा ले सकते हैं। अगर आप चाहे तो यहाँ सड़क मार्गों से भी पहुँचा जा सकता है। चिखलदरा बेहतर सड़क मार्गों द्वारा राज्य के कई बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। कोरोना महामारी के चलते पिछले 3 से 4 महीनों से महाराष्ट्र के कई पर्यटन स्थल बंद है, इसमें चिखलदरा भी एक है। इस पर्यटन स्थल को स्थानीय होटल व्यवसायिकों और प्रशासन ने बंद रखने का फैसला लिया था, लेकिन अब 3 से 4 महीने बीत चुके हैं। आर्थिक स्थिति के चलते अब प्रशासन ने इसे 31 अगस्त से खोलने का निर्णय लिया। यह भी तब ही संभव है जब व्यवसायी और पर्यटक सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। विदर्भ में हिल स्टेशन के रूप में विख्यात चिखलदरा में बारिश शुरू होने पर इस ओर पर्यटकों का माहौल रहता है। परिसर पहाड़ और घाटियां हरियाली से आच्छादित है और कुछ स्थानों पर झरने भी बहते हैं। लेकिन कोरोना की पृष्ठभूमि पर प्रकृति प्रेमी पर्यटकों को क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, जिसके चलते एसोसिएशन ने होटल बंद करने का निर्णय लिया था। इस फैसले से गाइड और छोटे व्यवसाय के मालिकों के रोजगार के अधिकार समाप्त हो गए थे। इस क्षेत्र में लगभग 2000 परिवारों का रोजगार मिलता है। यहाँ रिजॉर्ट से लेकर छोटे होटल तक, गाइड से लेकर हेल्पर्स तक सब कुछ मिलता है। फिलहाल पर्यटन बंद होने से तकरीबन 10 करोड़ का व्यवसाय ठप हो गया है। बेसिक जो सुविधा होना चाहिए वो जैसे लाइसेंसिंग का होता है, वो तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने सारे लाइसेंस कम कर दिए हैं, वो एक बहुत अच्छी बात हुई है। और सुविधाओं के बारे में बोले तो जैसे टैक्सेशन है, पानी के रेट्स है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। ये जो सरकार ने थोड़ा सा कंसिडरेशन ऑफ इकोनॉमिकल क्राइसिस ऑफ दिए कोविड के वजह से जो आए हैं, तो उसमें यदि राहत मिल जाए तो ऐसा लगता है कि भाई यहाँ की होटल इंडस्ट्री को नवी एक संजीवनी मिल जाएगी। रुका हुआ प्रोजेक्ट बोले तो जो रोड कंडीशंस है वो डेवलप होना चाहिए, जिसके अवार्ड हो चुके हैं टेंडर्स, सिर्फ ये कोरोना के वजह से रुके हैं, वो ड्यू कोर्स हो जाएंगे। और बड़े प्रोजेक्ट की बात करो तो जैसे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने सिडकों को एक चीफ प्लानिंग अथॉरिटी करके चिखलदरा को अपॉइंट किया है और दे आर डूइंग वेल। उन्होंने एक स्काई वॉक का जो काम चालू किया है, जिसमें 500 मीटर का एक स्काई वॉक है जो एशिया में सबसे बड़ा कहा जाता है, और उसका काम ये कोविड के सिचुएशन में भी उन्होंने काफ़ी हद तक के अच्छी स्पीड से पकड़ के रखा है और काम हो रहा है उसका। और दैट विल बी माइलस्टोन फॉर चिखलदरा
इन अ टूरिज्म। इन्वेस्टमेंट और पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि सारी इंडस्ट्री अभी लॉकडाउन की वजह से ठप है, और कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो मैन पावर के प्रॉब्लम्स है, ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स की वजह से प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाएगा। सर यहाँ चिखलदरे में ये एक सीज़न टाइम है, ये सीज़न टाइम ऐसा है कि इस सीज़न में चिखलदरा में ज़्यादातर टूरिस्ट आती हैं, और यहाँ की खूबसूरती के बारे में हम शब्दों में तो नहीं बता सकते, आप खुद अभी देख रहे हैं। और यहाँ का मुख्य व्यवसाय होटल और टूरिज़्म है, यहाँ पर के सबकी जीवनी इसी पर टिकी हुई है। होटल व्यवसाय से जुड़े हुए गाइडिंग, यहाँ का फॉरेस्ट में जंगल सफारी, ये सब बातें टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड है। और आज के इस कोरोना काल में, COVID-19 की इस गंभीर परिस्थिति में, ये लगभग 6 महीने से पूरी तरह से बंद है, जिसका सीधा असर यहाँ के सर्वसामान्य व्यक्ति पर पड़ रहा है। आज की परिस्थिति में पूरे विश्व में कोरोना पूरी तरह फैल चुका है। अब हमें ऐसा लगता है कि कोरोना के साथ में रहना ये आज हमारी मजबूरी है, और अगर ये कुछ दिन लॉकडाउन चलता रहा या रोज़गार बंद रहा तो इसका एक बहुत बुरा परिणाम यहाँ की जनता पर पड़ेगा। सरकार ने जल्दी से जल्दी इन बातों को चालू करके इस टूरिज़्म प्लेस को चालू करने को, लॉकडाउन के तरफ से सरकार के तरफ से हमें कोई भी मदद नहीं रही है। सरकार ने चिखलदरे को बिल्कुल खुला छोड़ दिया है, यहाँ का नगर पालिका शासन तहसील ये मिलकर ना किसी को अंदर आने दे रहे नहीं है। वो ठीक है, एक सेफ्टी के हिसाब से वो कर रहे हैं, उनका कर्तव्य भी है और सही भी है, लेकिन अब बहुत समय हो चुका है। अब इसी तरह सब चलता रहा तो अगर ज़िंदगी भर ये कोरोना के साथ हमें रहना पड़ा या यहाँ से और 6 महीने रहना पड़ा तो ये पॉसिबल कैसे, एक सर्वसामान्य कैसे रहेगा। हाँ, अगर गवर्नमेंट अपने को घर में रहने के लिए या बिजनेस नहीं करने के लिए कुछ अनुदान देगी तो फिर बंद रहा तो भी चलेगा। प्रशासन ने स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति को समझते हुए 31 अगस्त से पर्यटन स्थल शुरू करने के निर्णय लिए हैं, लेकिन इसमें भी वही लोग आ सकेंगे जिनके पास ई पासेस होंगी। सर्वप्रथम ज्यावेळी कोरोनाचा उद्भव आढळून आला त्यावेळी तालुक्यामध्ये प्रत्येक ग्रामस्तरावर ग्रामस्तरीय दक्षता समिती नियुक्त करण्यात आली, त्यामध्ये तलाठी मंडळाधिकारी, ग्रामसेवक, आशा वर्कर, पोलीस पाटील यांचा समावेश आहे। सर्वप्रथम त्यांना प्रतिबंधात्मक उपायोजना करण्याच्या ज्या सूचना दिल्या होत्या त्या त्यांनी व्यवस्थित पार पाडले की नाही याकडे पर्यवेक्षण अधिकारी म्हणून नियुक्त करून लक्ष देण्यात आले आहे। सध्याच्या परिस्थितीमध्ये चिखलदरा तालुक्यामध्ये 3 रुग्ण पॉझिटिव्ह आले होते, त्या दृष्टीनं थोडेसे प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात आली आहे। चिखलदरा प्रॉपर सिटीमध्ये 2 आणि ग्रामीण भागामध्ये तेलखार गावामध्ये 1 पेशंट पॉझिटिव्ह आलेला होता, त्या दृष्टीनं त्यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतील त्या लोकांची हाय रिस्क आणि लो रिस्क अशी विभागणी करून हाय रिस्कवाले जे पेशंट आहेत त्यांना कोविड केअर सेंटरला आणि लो रिस्कवाले जे आहेत त्यांना पूर्ण मॉनिटरिंगखाली होम आयसोलेशनचा सल्ला देऊन त्या दृष्टीनं त्यावरून कारवाई करून घेण्यात आली आहे। सध्या चिखलदऱ्यामध्ये पर्यटन हा एक चिखलदऱ्यामध्ये महत्त्वाचा विषय आहे, पण जी परिस्थिती जिल्ह्यामध्ये बाहेर राज्यामध्ये कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता सध्या पर्यटन बंद आहे। माननीय जिल्हाधिकारी महोदय यांच्या आदेशानुसार पर्यटन 31 ऑगस्टपर्यंत थांबवण्याच्या सूचना आहेत, त्याप्रमाणे कारवाई करण्यात येत आहे। सुरुवातीला ज्यावेळी कोरोनाचा प्रादुर्भाव व्हायला सुरू झाला आणि स्टार्ट फेजमध्ये ज्यावेळी लॉकडाऊन सुरू झाला होता त्यावेळी चिखलदऱ्यामध्ये बऱ्याचशा सामाजिक संस्थांनी मोठ्या प्रमाणात योगदान दिलं होतं। त्यावेळी प्रशासनासमोर मोठं आव्हान हे होतं की मोठ्या प्रमाणात मिळालेली मदत जी आहे जी खरोखर गरजू आणि ज्यांना आवश्यक आहे त्या लोकांपर्यंत पोहोचवणं हे एक मोठं आव्हान होतं। त्यासाठी एक प्रॉपर नियोजन करून ज्या संस्था ज्या आहेत, NGO आहेत, काही समाजातील आपले दानशूर व्यक्ती आहेत, त्यांची मदत ज्या लोकांना खरोखर आवश्यकता आहे त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यात आली आहे। अशा संस्थांचा 1-2 दिवसांपूर्वी महसूल दिनानिमित्त त्या लोकांनी जी मदत केली त्याबद्दल त्यांचं एक थोडंसं शिलान एक वृक्ष देऊन त्यांचा सन्मानही कार्यालयाकडून करण्यात आला आहे। महाराष्ट्रातलं चिखलदरा हे एक महत्त्वाचं पर्यटन स्थळ आहे, त्यामुळं आणि सध्या पर्यटन काळ असल्यामुळं पर्यटनासाठी चांगलं वातावरण चिखलदऱ्यामध्ये असल्यामुळं भरपूर पर्यटकांचा चिखलदऱ्याला भेट देण्यामध्ये कल असतो,
त्या दृष्टीनं थोडं प्रशासनाच्या दृष्टीनं काळजी अशी घेण्यात आली आहे की चिखलदऱ्यामध्ये जो मेन नाका आहे त्या नाक्यावर जर तुमच्या लोकांकडे ई पास असेल तरच लोकांना ॲलो करण्यात आले आहे आणि ई पास हा मेडिकल कारणाशिवाय शक्यतो दिला जात नाही. त्यामुळं पर्यटक म्हणून थोडीशी चिखलदऱ्यामध्ये एंट्री सध्या बंदी आहे. तर 31 ऑगस्ट नंतर कलेक्टर साहेबांची डायरेक्शन घेऊन शिवसाहेब पर्यटन सुरू करतील का याकडे थोडंसं बघावं लागेल. इसके साथ ही नागपुर के रहवासी लेकिन जिन्होंने अपना टूरिज्म का व्यवसाय नागपुर से लेकर चिखलदरा तक फैलाया है, यहाँ इनबीसीएन के संचालक भी है और एक व्यवसाय भी सिराज शेख. जब इनसे चिखलदरा पर्यटन स्थल को फिर से शुरू करने के बारे में पूछताछ की तो इन्होंने पर्यटन स्थल के शुरू होने की खुशी जाहिर की. साथ ही इस पर्यटन स्थल को शुरू करने से स्थानीय लोगों को होने वाले फायदे के बारे में भी अपने विचार साझा किए. देखो चिखलदरा एक अलग ही डेस्टिनेशन जगह है और वो पिछले कई साल पहले आने करीब करीब मेरे लाइफ के हो गए होंगे 20-22 साल पहले तो मैंने धारनी मेलघाट का बहुत अच्छा सर्वे किया था जब कुपोषण वगैरह चलता था और वो बहुत तो उस समय घूमते घूमते मैं चिखलदरा गया था और चिखलदरा मेरे को बहुत अच्छा हिल स्टेशन लगा क्योंकि मैं माथेरान और उसके बाद में पचमढ़ी महाबलेश्वर सब भी हिल स्टेशन निकल के विदर्भ में इतना अच्छा स्पॉट मैंने पहली बार देखा था. तब से मुझे चिखलदरा की आदत लग गई. फिर चिखलदरा में कई बार गया. फिर देखते देखते एक मेरे को एक छोटा बंगला मिला. मेरे बंगले में होटल करते करते 3 बंगलों को होटल में कन्वर्ट किया और अभी मैं 4 स्टार प्लस की होटल और बना रहा हूँ अपना शाहपुर गाँव में. इसी टाइप से मेरे को चिखलदरा की वादियाँ चिखलदरा के सुकून इतना प्यारा है कि शायद ही विदर्भ में इससे अच्छी जगह नहीं होंगी. लेकिन क्यों डेवलप नहीं हुआ क्यों लेट डेवलप हो रहा अभी सड़कों ने हाथ में ली है ये मुझे रीज़न पता नहीं आया. उसका रोड ना एयरपोर्ट की ज़रूरत है कम से कम अमरावती तो भी एयरपोर्ट होना चाहिए चाहे उसके बाद में हेलीपैड होना चाहिए वहाँ पर. तो उसमें क्या करने का जो बाहर का जो क्लाइंट है या दिल्ली बॉम्बे बेंगलोर जो बड़े बड़े क्लाइंट जो फ्लाइट से आते हैं वो लोग और स्कोप आएगा. तो यहाँ के लोकल लोगों ने सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए. अब आने वाले समय में जो एक पर्यटन की जो भविष्य है वो भविष्य के दृष्टिकोण से आप चिखलदरा को कैसा देखते हैं? अभी तो इसका अवाग बन रहा है क्योंकि एशिया में सबसे बढ़िया इसका अवाग चिखलदरा ही बन रहा है और चिखलदरा में सड़कों के और भी प्लान हैं. अगर ये प्रॉपर डेवलप हो जाते जल्दी डेवलप हो जाते तो चिखलदरा मेरे हिसाब से महाराष्ट्र का सबसे अच्छा प्लेस रहेगा. आपने जो रिसोर्ट्स वहाँ पर डेवलप किए हैं आपकी जो अपने आपने जो सुविधाएं की है उसके बारे में जरा बताइए. नहीं मैंने तो वहाँ पे क्योंकि मैं चिखलदरा के मैक्सिमम होटल में रुका हूँ जी तो वहाँ के जो होड़ने के जो साधन रहते हैं बड़े बड़े तो वो कैसा वो दूसरे जिसको अपन बोलते हैं ना ब्लैंकेट पैटर्न कर रहे थे. तो मैंने उसको इस चीज़ को अवॉइड करते हुए मैंने अपने होटल में सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान दिया कि बेड्स अच्छा रहना चाहिए. सोने का जो मेरा गद्दा है उस ओढ़ने की चीज़ है पीलो है वो सबसे बेस्ट है सभी होटलों से बेस्ट है. बाकी मैं बाकी होटल से अपने होटल को कंपेयर नहीं करता लेकिन बेड सिस्टम में मैं अपने आप को कंपेयर करता हूँ. सर लॉकडाउन के बाद अब चिखलदरा क्षेत्र शुरू होने जा रहा है तो आप जितने भी पर्यटक हैं जो पर्यटक के मतलब जो वो चाहते हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो चाहता हूँ सब चिखलदरा तो बरसात का सीजन था पहले लेट हो गया कोविड-19 के चक्कर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते गए. वहाँ के लोकल लोगों ने भी कलेक्टर ने भी देख के गाँव में बीमारी ना फैले करके इसको लेट किया. लेकिन बहुत सारे डेस्टिनेशन खुल गए अभी ताड़ोबा चल रहा है पेज चल रहा है काना चल रहा है और बहुत से चल ही रहे तो इसको मेरे हिसाब से कर देना चाहिए और होटल में रूल रेगुलेशन के नियम के हिसाब से करना चाहिए. अब सबको वैसे भी अपने खुद के आप पे ही जीना है तो सबने अपने अपने होटल का देख रेख खुद करना चाहिए और ये जल्द से जल्द चालू हो जाना चाहिए. जिम्मेदारी के साथ में सारी चीज़ें चालू हो जाना चाहिए. जैसे कि आप एक व्यवसायिक भी हो आप मीडिया से भी जुड़े हो और आप के वहाँ पे रिसोर्ट्स भी है प्रशासन के तरफ से आपको क्या लगता है इसमें बढ़ावा देने के लिए पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए क्या सुविधा देनी चाहिए? जिस तरह से लॉकडाउन हुआ और देश में काफी समस्या थी मगर विदर्भ को बड़ा करने के लिए क्या क्या सुविधा देनी चाहिए चिखलदरा के लिए स्पेशली प्रशासन की ओर? प्रशासन तो ध्यान दे रहा है जब सिड़कों ने अपने अंडर में लिया है तो वो पहले डेवलप नहीं पर आज डेवलप हो रहा है वो हो जाएगा. यानी जो चीज़ की हमें को अपेक्षा थी वो मेरे ख्याल से 1-2 साल में कंप्लीट हो जाएगा. सबसे पहले रोड देना चाहिए क्योंकि रोड प्रॉपर रहेंगे तो गाड़ियाँ प्रॉपर रहेंगी. मैक्सिमम लोग गाड़ी से आते हैं मेरा सबसे रोडों की वहाँ तकलीफ है ये प्रॉब्लम पहले सॉल्व होना चाहिए.
आने वाले समय में एक बेहतरीन चिखलदरा का दृश्य एक नए आयाम से देखने को मिलेगा। नहीं, वो देखो वहाँ के लोकल लोगों का ध्यान, वो लोकल लोगों ने ही अपने शहर को डेवलप करना चाहिए। हर लोकल लोगों ने ये समझना कि टूरिज्म हमारा भगवान है, क्योंकि कभी भी हम कोई भी देश में जाओ, कोई भी डेस्टिनेशन पे जाओ, इंडिया में जाओ या इंडिया के बाहर जाओ, क्यों टूरिज़्म पैसा छोड़ के जाता है, पैसा लेके नहीं जाता। जितना टूरिज़्म बढ़ेगा वो गाँव का विकास उतना होगा, वहाँ के रोज़गार बढ़ेंगे, वहाँ के हर व्यक्ति की आवक बढ़ेंगी। ये हर व्यक्ति में सोचना चाहिए। शायद वहाँ के लोग हम ये कम सोचते हैं, पता नहीं वो लोग क्या सोचते हैं, लेकिन उस हिसाब से डेवलप नहीं हुआ। अगर उन्होंने हर किसी का वेलकम अच्छे से किए तो चिकलदरा बहुत अच्छा डेवलप होता है। ये सब चीज़ लोकल पे डिपेंड है। विदर्भ का हिल स्टेशन जो है स्वर्ग कहा जाता है चिकलदरा, और आप एक व्यवसायी को आपका रिसोर्ट वहाँ पे है, तो कोरोना महामारी के पहले का चिकलदरा और अब आने वाले दिनों का चिकलदरा कैसे होगा? नहीं, चिकलदरा तो आने वाले जब सिडको पूरा डेवलप करेंगे, जितने भी इसके प्लान है, वो प्लान पूरे डेवलप होने के बाद तो वहाँ फिर टूरिज्म को तो रोक नहीं पाएगा। लेकिन वहाँ रास्ते नहीं, वहाँ अंदर के भी रास्ते बहुत छोटे हैं, जो चौराहा है वो चौराहे के भी रास्ते बहुत छोटे हैं, हिल स्टेशन जो अपना पहाड़ी एरिया है उसके भी रोड बहुत छोटे हुए, और उसके बाद में जो डेवलप होना, जो सबसे पहले रोड डेवलप करो तो ऑटोमेटिकली सब डेवलप हो जाता है। सिडको चलो बना रहा है कि स्काई वॉक बन रहा है, ये बन रहा है, बात का मैटर है, लेकिन सबसे पहले रोड होना चाहिए, लोगों को सुविधा होना चाहिए, और लोकल लोगों ने दुकानें ये वो सजावट करना चाहिए, और नाइट के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि वहाँ 5:30-6 बजे के बाद सारी पब्लिक बोर होती है। सब कंप्लेंट एक ही है कि भाई हम 6 के बाद जाएंगे कहाँ। हर मातेरन जाओ या महाबलेश्वर जाओ, थोड़े तो भी गेमिंग के मनोरंजन के साधन है, कुछ अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है, चिकलदरा में ऐसा कुछ नहीं है, ये होना चाहिए। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जैसे कोरोना महामारी के बाद जैसे सैनिटाइज मास्क का ये जो सब चल रहा है दौर, तो क्या आगे सुविधा होगी आपके रिसोर्ट में या पूरे चिकलदरा में क्या होना चाहिए पर्यटकों के दृष्टिकोण से? नहीं, हमारे हमारे इसमें तो पर्यटक जो गवर्नमेंट के नियम है हम उसको तो पूरे फॉलोअप करेंगे। देखो, एक सैनिटाइजर एक है, सोशल डिस्टेंसिंग भी आपको फॉलोअप कर रखना है। एक रूम में अगर हस्बैंड वाइफ है, फैमिली है तो चलो रूम दे, लेकिन कोई दोस्त है तो उसको दो ही रूम में रखना चाहिए, एक रूम में सिंगल रहना चाहिए। उसके बाद में उसको सैनिटाइजर यूज़ करना चाहिए, और आने वालों को मास्क भी देना चाहिए, क्योंकि अगर वो होटल के अंदर भी घूमते हैं तो मास्क पहन के ही रहना चाहिए, और टेम्परेचर मशीन भी चेक करना चाहिए उसकी, और अपना पल्स वाली मशीन भी रहना चाहिए, दोनों तीनों मशीनें रहना चाहिए, सारी प्रिकॉशंस ली जाए, सारी प्रिकॉशन लेना चाहिए, और वो होटल चालू हो जाना चाहिए, उसको रोक के कोई मतलब नहीं है। उसमें चिकलदरा ही ये हो रहा है जितना कर, क्योंकि सभी लोग उद्योगपति नहीं है, कई लोगों के बेरोजगार भी है, वहाँ के वर्कर के बारे में भी सोचना चाहिए, वहाँ के लेबर के भी बारे में सोचना चाहिए, वो लोग भी बेरोजगार रहे। उद्योगपति तो ठीक है, साल भर अगर अपना घर चला, लेकिन एक गरीब आदमी जो 200-250 रुपये रोज कमाता है, 150 रुपये रोज कमाता है, उनके लिए बहुत तकलीफ है। इसलिए चिकलदरा बहुत जल्दी चालू होना चाहिए, और बरसात का सीजन मिलना चाहिए उनको। पर्यटन चालू हो तो सभी के घर के चूल्हे भी इस जलेंगे। चिकलदरा प्रशासन के विकास कामों के बाद और भी खूबसूरत हो जाएगा, लेकिन इस खूबसूरती का लुत्फ उठाना है तो दिशा निर्देशों और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। यदि पर्यटन स्थल शुरू होने के बाद भी दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जाता या फिर किसी भी तरह की स्वास्थ्य परेशानी का सामना स्थानियों को करना पड़ा तो पर्यटन स्थल फिर से बंद करने का अधिकार भी स्थानीय प्रशासन के पास है। NBCN के लिए दीपिका धनेश्वर, नफीस खान और विजय रॉय की रिपोर्ट।